हेलो गाइस, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में थ्योरी का रिवीजन किया था, वैसे इस लेक्चर में हम लोग डिफरेंट पैटर्न ऑफ न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। वैसे हमने जो पिछले लेक्चर्स पूरे जो हमने किए चैप्टर के, उसमें इन हर क्वेश्चन के पैटर्न को हम लोग देख चुके हैं, बट स्टिल एक बार रिविजन में इन क्वेश्चन को आपस रिवाइज करेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको स्क्रीन पॉज करने का मौका दूंगा, आप अपने आप से एक बार सॉल्व कीजिएगा उस क्वेश्चन को, फिर मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिर अपन आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को आप कोई भी कॉपी में कॉपी कर लीजिए, फिर इसे सॉल्व करने का ट्राई कर लीजिए। चलिए, क्वेश्चन में क्या है, हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। पहले ए डी ई का निकालना है, चलिए ए डी ई का डिस्टेंस निकालते हैं और डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। देखिए, पहले ए से डी से ई, मैं पहले डिस्टेंस निकाल रहा हूं। देखो, ए से गया डी, ये 3 हो गया है, फिर डी से आया ई, बेटा कितना हुआ है, ये -1 नहीं हुआ है। देखो, जाने का 3, वापस आने का 4 हो रहा है बेटा। देखो, 3 तक गया, 3 से -1 मतलब 4, टोटल मिला के कितना हो गया मेरा डिस्टेंस, डिस्टेंस हो गया 7 मीटर। डिस्प्लेसमेंट पाथ इंडिपेंडेंट होता है। इनिशियल और फाइनल पोजिशन देखता हूँ, ए पे था, ई पे पहुंचा, तो मेरा आंसर हो जाएगा सर -1 मीटर डिस्प्लेसमेंट। वैसे ए सी एफ ए, तो ए से गया सी यानी 2, सी से गया एफ मतलब सर 2 गया था आगे, फिर 4 पीछे आया हूँ, ठीक है, फिर वापस से आया हूँ ए पे, मतलब और 2 आ गया हूँ, मतलब 2 4 2, यानी क्या हुआ है, ये हुआ 2, ये हो गया 4, पूरा पीछे रखे यहाँ तक, ये हो गया 4 और यहाँ पे हो गया कितना, वापस से 2, तो 2 4 2 8 हो रहा है। देखो, एक और समझाता हूँ मैं, देखो ए से सी 2 हुआ, सी से एफ 4 हुआ, एफ से ए वापस 2 हो गया, टोटल मिला के कितना हो गया मेरा डिस्टेंस, ये हो गया सर 8 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा, सर इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है, डिस्प्लेसमेंट हो गया मेरा 0, सिंपल था। कोई आंसर अगर वेरी कर रहा है तो पॉज कर लो और उसे चेक कर लो। चलिए, जिनका आंसर सही था अमेजिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये वाला एग्जैक्टली किया हुआ है, सिर्फ डेटा चेंज किया है मैंने, तो अगेन पॉज कर लो, ऐसे अटेम्प्ट कर लो। चलिए, पहले तो डिस्टेंस ए से बी से सी, सर 12 + 5, सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है मुझे। डिस्प्लेसमेंट का ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड ही निकाल रहा हूँ मैं, तो ए बी सी डिस्टेंस हो रहा है सर 17 मीटर। सर डिस्प्लेसमेंट यही लेंथ होगी, पाइथागोरस अगर लगा होगा मैं तो बेटा ये 12, ये 5, ये 90 डिग्री, पाइथागोरस से कारण ये 13 मीटर हो जाएगा मेरा, तो डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया मेरा 13 मीटर। अब सर देखो, अब मेरे को डिस्टेंस निकालना है ए बी सी डी, सर ये 12, फिर ये 5 और ये आपस से 12 रहने वाला है, तो सर 12 + 5 + 12 कितना हो गया 29 मीटर। सर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, सिर्फ ये वाला रहेगा, वो कितना है सर 5 मीटर, सिंपल। अब बेटा जो 13 मीटर निकाला है ना, ये आपने दिखाना चाहिए, कैसे दिखाओगे, आप लिख लोगे कुछ तो भी, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सर ए बी यानी 12, 12 का स्क्वायर है 144, बी सी यानी कि 5, 5 का स्क्वायर 25, मतलब ये 169 हो गया मेरा ए सी स्क्वायर, तो ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर 13 मीटर हो जाएगी। ये सब चीज़ें आपने वैसे दिखा लेना चाहिए, ठीक है। जिनका भी आंसर कुछ भी डिफरेंट आया था, अगेन प्लीज पॉज करके उसे चीज़ को सॉल्व कर लीजिए। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है बेटा। ये क्वेश्चन एक बार मैं रीड कर देता हूँ आपके लिए, फिर आप एक बार ट्राई कीजिए। वैसे आपने ऐसे पैटर्न में क्वेश्चन किया, सिर्फ ये आपको पिछले बार फिगर दिया था, तो फिगर नहीं दिया हुआ है, वो वाला सिचुएशन है। क्वेश्चन है, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉल क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, फुल स्टॉप, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टिप ऑफ द मिनट हैंड। मिनट हैंड ट्रैवलिंग फ्रॉम, पहला सिचुएशन है 10 AM to 10:30 AM वाला, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन है 10 AM to 10:15 AM, फुल स्टॉप। इसके बाद में ऑल्सो फाइंड इट्स स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इन बोथ केसेस। सब कुछ समझा नहीं, एक बात जितना आपको समझ रहा है जो कर सकते हो आप, अपना मान लो एग्जाम में आ गए तो क्या करने वाले हो उतना कर लो आप लोग पॉज करके, फिर मैं आपको पूरा क्वेश्चन समझाऊंगा। चलिए, अब देखो सिचुएशन क्या है, घड़ी है बेटा, एनालॉग घड़ी है, डिजिटल घड़ी नहीं है ऑब्वियसली, कुछ सर्कुलर घड़ी है मेरी ये, इसमें सिर्फ मिनट हैंड की बात हुई है। मेरे को आर हैंड जो होता है वो कहाँ पे, उससे कोई फर्क नहीं है, 10 बजे मिनट हैंड यहाँ पे रहेगा।
अब देखो ये टिप मतलब वो इस चीज की बात कर रहा है, सिर्फ ये वाला पॉइंट कैसे घूमने वाला है सर, ये वाला पॉइंट ऐसे सर्कुलर ही घूमने वाला है तो सर्कल बनाने वाला है वो। चलो ठीक है, अब देखो 10 बजे यानी यहाँ पे कितना लिखा हुआ होगा, 12, 10:30 बजे मतलब यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा 6, मतलब वो ऐसा गोल घूम के, ये वाला मिनट हैंड ऐसा गोल घूम घूम के घूम घूम के यहाँ पे आ चुका रहेगा, फिर ये ऐसा बना हुआ रहेगा। तो बेसिकली जो आपका टिप यानी कि ये वाला जो है पॉइंट, वो है सेमी सर्कल घूम के आया है, सेमी सर्कल घूमा है, परफेक्ट। और सर उसका रेडियस कितना है, हमारा रेडियस दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर, तो परफेक्ट। तो देखो बेसिकली मिनट हैंड ये ऐसा हाफ सर्कल घूम के आया है, अगर ये पूरा सर्कल होता तो उसने ये इतना ऐसा हाफ सर्कल घूमा है और रेडियस कितना है उसका, 10 सेंटीमीटर है। तो सर अब इससे मेरा पहले तो मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। तो सर देखिए अपना फिगर ये ऐसा कुछ बन रहा है, थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ फिगर। मान लीजिए ये है ए बी सी डी, तो वो ऑब्जेक्ट 10 AM से 10:30 AM में ए टू सी गया है, ऐसा गोल घूम के ए टू सी गया है। तो सर मेरा डिस्टेंस कितना होता है, डिस्टेंस होता है हाफ ऑफ 2 पाई आर, मतलब जाएगा हाफ, अच्छा ये हाफ और टू तो कट जाएगा बेटा मेरा, तो पाई की वैल्यू अभी कितनी ले लूँ, कुछ 22/7 ले रहा हूँ, ये 3.14 ले लो। चलो 3.14 × 10 मतलब 31.4 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया बेटा उसका, ये हो गया उसका डिस्टेंस। अब वही डिस्प्लेसमेंट तो बहुत ईजी है सर, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा सर इसका, डिस्प्लेसमेंट डायमीटर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये समझा आपको क्या हुआ पक्का से, अभी मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया। अब बंदे ने मुझसे इसी सिचुएशन में स्पीड और वेलोसिटी भी मांगी है, देखो ये यहाँ पे ऑल्सो फाइंड स्पीड एंड वेलोसिटी इन बोथ द केसेस। मैं केस टू करने का, केस टू करने के लिए आपको मौका दूंगा, पहले मैं वापस से, पहले देखो ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब सर देखो स्पीड, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब डिस्टेंस कितना ट्रैवल था मेरा, डिस्टेंस था 31.4 सेंटीमीटर, टाइम बेटा 10 से 10:30 कितना हो रहा है सर, 30 मिनट्स हो रहा है, अपॉन 30 मिनट्स। तो मेरा आंसर बेटा देखो मैं अभी कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली देखो 3.14/3 सेंटीमीटर पर मिनट, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1.046 कुछ जा रहा है, तो 1.05 अप्रोक्सीमेटली ले रहा हूँ मैं, 1.05 सेंटीमीटर पर मिनट आ जाएगा आंसर। अब बेटा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है ऐसा यूनिट में कोट करना हो, सेंटीमीटर्स और मिनट्स में था, आप ऐसे सेंटीमीटर पर मिनट भी लिख सकते हो। ये समझे आपको, ये हो गया क्या स्पीड, वैसे अब मैंने वेलोसिटी निकाला, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना था 20 था, टाइम कितना है सर 30 है, तो 20 सेंटीमीटर पर 30 मिनट, यानी कितना हो जाएगा 0.67 सेंटीमीटर पर मिनट। ये क्या हो गया मेरा, ये हो गई मेरी वेलोसिटी, फेयर इनफ। तो एक काम करो पहले ये वाला तो सॉल्व करो जिनको नहीं आया था, प्लस ऐसे ही पैटर्न में 10 से लेकर 10:15 का आपका आंसर क्या आ रहा है वो मुझे निकाल के बताइए। चलिए अब जो सेकेंड सिचुएशन था वो देख लेते हैं बेटा। देखो सेकेंड सिचुएशन में ये अपनी घड़ी ऐसे कांटे से लेके ये ऐसे आई होगी, तो बेसिकली वो मेरा ए टू बी चलेगा 10 से 10:15 में, तो मेरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस रहेगा 1/4 of 2 pi r, नहीं सर ये 1 था ये 2 था, तो इसलिए 1/2 × 3.14 × रेडियस कितना है सर 10 है मेरा, तो सर ये हो रहा है 31.4/2 मतलब हो रहा है कुछ 15.7 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया मेरा डिस्टेंस हो गया। अब मैं डिस्प्लेसमेंट जो निकालते थे अपन लोग, डिस्प्लेसमेंट याद है ना, वो ट्राइंगल होता था 10 10 वाला, तो ये भी 10 ये भी 10 ये 90, तो ये कितना, तो ये 10√2 बनता था, बस एग्जैक्टली वही वाला कर रहा हूँ मैं, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा 10√2, खत्म। इतना क्या सेंटीमीटर। अब सर स्पीड चाहिए हमें, तो स्पीड होता डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है हमारा 15.7, टाइम कितना है बेटा, टाइम है 15 मिनट्स। ठीक है इसको कैलकुलेट कर लेना, जो भी आपका आंसर आ रहा है दैट मीनस सेंटीमीटर पर मिनट हो जाएगा। और वैसे ही वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट यानी ये अपॉन टाइम यानी 15, एक अटा 2 था एक अटा 3 था, तो 2√2/3
सेंटीमीटर पर मिनट हो जाएगा मेरा। समझ में आ रहा है ना क्या किया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वगैरह सब कुछ। तो फट से ये वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप अगर सही डायग्राम बनाओगे तो आपके बहुत फुद्दू सा क्वेश्चन है ये, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं पड़ेगा आपको, पॉज करके इसको भी ट्राई कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्या दिया हुआ है। अ पर्सन ट्रैवल्स 2 किलोमीटर नॉर्थ, देन 3 किलोमीटर ईस्ट, देन फर्दर 2 किलोमीटर नॉर्थ। बेटा देखो आपको ये चीज पता है ना, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। बेटा वो नॉर्थ साउथ सबको पता होता है, वेस्ट ईस्ट में ना कन्फ्यूजन होता है। तो जब मैं शायद सेकेंड या थर्ड में था, मेरे को एक टीचर ने बहुत अच्छा ट्रिक दिया था, मुझे वेस्ट ईस्ट लिए वी लिख दिया करो, डब्ल्यू ई वी। देखो डब्ल्यू ई वी, देखो बहुत ही फुद्दू सा ये ट्रिक है बट मेरे लिए हमेशा काम किया गया, मैं आज भी ऐसे ही याद रहता हूँ वेस्ट कौन सा ईस्ट कौन सा है। तो ये हो गया, चलो ठीक है। सर अब क्या है, अब मान लो आपका बंदा था वो पहले 2 किलोमीटर नॉर्थ गया, इन्हें 2 किलोमीटर ऐसा गया, हो गया 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर ईस्ट गए, ठीक है सर ये हो गया 3 किलोमीटर, फिर वापस से और 2 किलोमीटर नॉर्थ गए, ये यहाँ तक गए 2 किलोमीटर और है। अब मुझे डिस्टेंस बताना है। तो देखो डिस्टेंस तो बहुत ईजी है, डिस्टेंस हो गया 2 + 3 + 2, मतलब हो गया 7 किलोमीटर। थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है किसमें, डिस्प्लेसमेंट में। अब डिस्प्लेसमेंट देखो, आपको यहाँ से यहाँ का डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अगर मैंने इसको ऐसा एक्स्ट्रा पोलेट होकर ऐसा ये बना लिया, तो देखो ये 3 था तो ये भी 3 हो जाएगा, ये 2 था तो ये भी 2 हो जाएगा। तो बेसिकली अब ये ट्राइंगल बन जाएगा हमारा 90 डिग्री वाला, जिसमें ये 3 रहेगा और ये पूरा मिला के कितना हो जाएगा सर, ये 2 प्लस ये वाला 2 मिला के 4 हो जाएगा। तो ये ट्राइंगल जो बना है मेरा वो कुछ ऐसा वाला बन रहा है जिसमें कि ये 3 है, सॉरी जिसमें कि ये 3 है मेरा, और सॉरी और वो वाला 4 है, ये 4 है, तो पाइथागोरस से ये 5 आ जाएगा। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है बेसिकली। देखो हुआ क्या, एक बार दिखा देता हूँ आपको मैं। आपका डायग्राम पहले कुछ ऐसा बना था, इसका मेरे को ये वाला लेंथ निकालना था, तो मैंने क्या बोला ये ट्राइंगल ऐसा कंप्लीट कर लो। तो अब जो ये ट्राइंगल बन रहा है मेरा, उसमें ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ कितनी है 3 है, और ये वाली लेंथ कितनी है, ये 2 + ये 2, मतलब ये पूरा पूरा कितना हो गया 4। तब ये हाइपोटेनियस मेरा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5। तो आंसर आ गया मेरा, समझा ये चीज़। तो फट से जिनका ये वाला आंसर नहीं आया था वो क्या करेंगे, पॉज करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेटा ये तो कई बार किया हुआ है अब्दुल वाला क्वेश्चन, आई होप आपको अब आता हो। तो इस क्वेश्चन को अगेन पॉज करके कॉपी कर लेंगे क्वेश्चन को, फिर सॉल्व भी कर लेंगे। चलिए करें। सर क्या है, अब्दुल वाइल गोइंग ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट द एवरेज स्पीड फॉर दिस ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब जो घर से स्कूल जा रहा है तब 20 किलोमीटर पर आवर, रिटर्न ऑन द सेम ट्रिप इट इज 30 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड निकालना है, उसमें एवरेज वेलोसिटी भी मैंने मांगी है। सर चलिए ठीक है, पहले तो क्या लिखते थे अपन लोग, डिस्टेंस स्पीड टाइम। तो मान लिया मैंने सर, थोड़ा इधर कर देता हूँ, डिस्टेंस स्पीड टाइम। सर ए से बी यानी जाने का, मान लो डिस्टेंस एक्स माना, एवरेज स्पीड 20 दी हुई है, टाइम एक्स बाई 20 हो जाएगा मेरा। फिर वापस बी से ए का, वापस डिस्टेंस एक्स है, आते समय स्पीड 30 थी तो टाइम एक्स बाय 30 हो जाएगा। तो मेरा टोटल, टोटल कितना हो गया सर, ये 2x हो गया, स्पीड टोटल नहीं निकालते ये सर, एक्स बाय 20 प्लस एक्स बाय 30 से एलसीएम 60 हुआ, तो 3 + 2 x / 60 मतलब 5x / 60 मतलब एक्स बाय 12 हो जाएगा बेटा। यहाँ तक ठीक है, अब क्या निकालना है सर मुझे, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, होता है डिस्टेंस यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है सर मेरा, टोटल डिस्टेंस है 2x, टोटल टाइम था x बाय 12, तो ये 12 यहाँ चल जाता है मेरा वैसे, या फिर नहीं समझा 2x डिवाइड बाय एक्स बाय 12 यानी 2x मल्टीप्लाइड बाय 12 बाय x, कटा कटा आंसर आ गया 24। यूनिट क्या था, किलोमीटर पर आवर, तो आ गया मेरा। हेंस एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल इज 24 किलोमीटर पर आवर। बेटा ये कई बार किया हुआ है क्वेश्चन अपना, आई होप आपको समझा हो। ये था मेरा डिस्टेंस आ गए स्पीड का।
वेलोसिटी कितनी होने वाली है एवरेज वेलोसिटी, बेटा जीरो हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट जीरो है ना आपका, जाके वापस वहीं पर आए, लौट के बुद्धू घर को आए वाला सिचुएशन है, तो क्या है डिस्प्लेसमेंट जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी भी जीरो है। तो फट से आप लोग पॉज करेंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, अब ऐसे पैटर्न के थोड़े से और क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ देता हूं आपके लिए, फिर आप लोग अटेंड खुद से कीजिएगा। अ बॉय ट्रैवल्स 40 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, फाइंड हिज एवरेज स्पीड। रादर ये ना पिछले वाले क्वेश्चन से ईजियर होते हैं, एक बार ट्राई कर लीजिए। चलिए निकालते हैं अपन लोग आंसर, सब वही अपना डिस्टेंस स्पीड टाइम, पहले ए से बी गए हो आप, मान लो डिस्टेंस कितना है सर हमारा, डिस्टेंस है 40 किलोमीटर, टाइम कितना है सर, डिस्टेंस किलोमीटर में है, स्पीड किलोमीटर पर आर में है, टाइम आर में, तो स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आर, सर टाइम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 आवर्स, ठीक है। फिर मैं और आगे हूँ बी से सी, सॉरी बी से सी मतलब 30 किलोमीटर, स्पीड कितनी है सर 10 किलोमीटर पर आर है, तो टाइम कितना हो जाएगा 3 आवर्स हो जाएगा, परफेक्ट। तो सर अब देखिए टोटल डिस्टेंस हो गया मेरा 50, टोटल टाइम हो गया है 5, तो मेरा एवरेज स्पीड कितना होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा मेरा, अरे वही मैं सोच रहा हूँ कुछ गलती हुई, हाँ मेरा टोटल डिस्टेंस आपका 70 हो रहा है, 50 नहीं हो रहा है, सॉरी मैं वही सोचा कुछ गलत हो रहा है, देखा 70 अपॉन 5 जिसकी अलग चलेगी 14 किलोमीटर पर आवर, सिंपल था कोई इशू। चलिए फट से जिनका ये आंसर मैच नहीं हुआ था वो लोग ये क्वेश्चन को भी कर लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ देता हूं अगेन, क्वेश्चन इजी है। अ कार मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर्स, ठीक है, एंड देन एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 3 आवर्स, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। वही टेबल बनाना है, सॉल्व करना है, आ जाएगा आंसर, ट्राई कर लीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं, डिस्टेंस स्पीड टाइम, डिस्टेंस है मेरा किलोमीटर में, स्पीड है किलोमीटर पर आर में, टाइम है आर में, पहले मान लीजिए ए से बी गया हूँ मैं जर्नी में, ठीक है, ए से बी स्पीड कितनी दी हुई है सर 50 दी हुई है, टाइम दिया है 2, तो डिस्टेंस हो गया कितना 100 हो गया। फिर मैं गया हूँ बी से सी में, बी से सी स्पीड कितनी दी है 60 दी है, टाइम कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, डिस्टेंस तो हो गया 16 × 3 180 हो गया सर, टोटल की बात किया तो टोटल हो गया ये 280 और ये हो गया 5, तो सर मेरी एवरेज स्पीड कितनी हो गई है, एवरेज स्पीड हो गई टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है 280/5, वो कितना हो रहा है सर 56 होता है, समझा 56 किलोमीटर पर आवर, सिंपल डिंपल था, कर लो यार अभी पॉज करके सॉल्व। चलो अब नेक्स्ट पे बढ़े, अब बेटा मुझे ये वाला क्वेश्चन ऐसे पैटर्न का अच्छा लगता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है, बट आप ट्राई कीजिए, अलग बताया बेटा मैंने पहले भी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, अ बॉय रन्स फॉर 10 मिनट्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर, पहले ही हिंट, वो 10 मिनट्स को किलोमीटर 10 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर लेना। एट वॉट स्पीड शुड ही रन फॉर नेक्स्ट 20 मिनट्स सो दैट द एवरेज स्पीड इज 12 किलोमीटर पर आवर, अगेन 20 मिनट्स को भी आवर्स में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन पॉज करके आप अटेम्प्ट कर लीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं, डिस्टेंस टाइम, अरे स्पीड और टाइम, पहले देखिए मान लीजिए ए से बी, मैं कितने स्पीड से जा रहा हूँ सर 9 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जा रहा हूँ, टाइम कितना है मेरा 10 मिनट्स यानी 1/6 आर्स हो गए, तो मेरा डिस्टेंस कितना हो गया सर 3/2 किलोमीटर हो गया, देखो ये किलोमीटर में है, स्पीड किलोमीटर पर आर में है, टाइम मेरा आर में, ठीक है। अब बी से सी, एट वॉट स्पीड शुड ही रन फॉर नेक्स्ट 20 मिनट्स, 20 मिनट्स यानी 20/60 यानी 1/3 आर हो गया मेरा, अब कितनी स्पीड से भागना चाहिए पता नहीं, तो मैंने स्पीड को कुछ एक्स मान लिया, तो उससे मेरा डिस्टेंस कितना हो गया सर 1/3 हो गया, ठीक है। अब एक बार मैंने क्वेश्चन आगे का पढ़ा तो नहीं है, अब टोटल देख लीजिए, टोटल ये हो जाएगा 3/2 + x/3 हो जाएगा बेटा मेरा, स्पीड तो एवरेज निकालते हैं, टाइम
वन बाई सिक्स प्लस वन बाई थ्री, यानी वन बाई सिक्स प्लस टू बाई थ्री, यानी टू बाई सिक्स, वन बाई सिक्स प्लस टू बाई सिक्स हो जाएगा, एलसीएम देखे थ्री बाई सिक्स यानी वन बाई टू आर्स हो गया ये वाला, ठीक है। अब देखिए एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो उसने अपने को एवरेज स्पीड दी हुई है 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 12 इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है, 3 बाई टू प्लस एक्स बाई थ्री द होल डिवाइड बाय 1 बाई टू है। अब देखो पहले ये टोटल का ना पहले काम करता हूँ, पहले उस चीज़ को इतने को सॉल्व कर देता हूँ मैं, ठीक है सर। तो ये कितना हो रहा है, एलसीएम लिया तो 9 प्लस 2x बाई 6 हो रहा है बेटा। अब यहाँ डाल देता हूँ वो चीज़ को, तो विच एम्प्लाइज एवरेज 12 यानी 9 प्लस 2x द होल बाई 6 डिवाइड बाय 1 बाई 2 है। सैंडविच रूल लगाया यहाँ पे ऐसा गया, तो 12 इज इक्वल टू 9 प्लस 2x द होल इंटू 2 अपॉन 6, ये 1 जा ये 3 जा हुआ, 3 को वहाँ भेजा तो सर 36 इज इक्वल टू 9 प्लस 2x, तो 27 इज इक्वल टू 2x, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 13.5 किलोमीटर पर आवर, खत्म। कैलकुलेशन थोड़ी मेहनत का है, बचाओ कुछ है नहीं। देखो टेबल आपको बनाना आ जाएगा कि पहले चलते कितने 10 मिनट्स आप 9 किलोमीटर पर आवर से गए हो, मतलब 3 बाई 2 किलोमीटर कवर किया है, फिर आपने 1 बाई 3 यानी कि 20 मिनट्स आप कोई स्पीड से गए हो, मान लो x, तो आपने डिस्टेंस x बाई 3 कवर किया है, आपकी एवरेज स्पीड 12 है। टोटल डिस्टेंस निकाला वो कितना हो गया 9 प्लस 2x बाई 6, टोटल टाइम निकाला वो कितना हो गया हाफ आवर, खत्म। फिर ये यहाँ पर डाल दिया। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है बट सिंपल, ऐसा कोई परेशानी वाला नहीं है। तो अगर जिनका नहीं आया तो कोई भी कारण से वो उसको पॉज करके सॉल्व कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी वाला है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इफ इट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। बेटा ध्यान रखना हर एक चीज को यू वी और टी को ऐसा यूनिट में करने के बाद में ही आप ए निकालोगे, पॉज करके इसको सॉल्व कर लो। चलिए हमें डेटा क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में करना है, यानी 18 इंटू 5 बाई 18 कटा कटा 5 मीटर पर सेकंड हो गया। फाइनल वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब 36 इंटू 5 बाई 18 कटा कटा ये गया 10 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना दिया है 5 मिनट, तो उसको सेकंड में यानी 300 सेकंड्स, तो ये हो गया। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, वी माइनस यू अपॉन टी, मतलब 10 माइनस 5 अपॉन 300, मतलब 5 बाई 300, मतलब 1 बाई 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, खत्म। सिंपल क्वेश्चन था बेटा, टेंशन मत लो, खुद दूसरा है ऐसे आते हैं और ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 2 मार्क 1 मार्क के लिए आ जाएंगे, ठीक है। पॉज करके इसको भी आप अटेम्प्ट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजिशन राहुल पैडल्स हिज बाइसाइकिल टू 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड, देखो सबको ऐसा यूनिट में, देन ही अप्लाइज ब्रेक्स टू स्टॉप हिज स्टॉप इन नेक्स्ट 12 सेकेंड्स, फाइंड हिज एक्सेलरेशन बोथ केसेस। पहले शुरू से जब वो चलते 6 मीटर पर सेकेंड तक के पहुंचा था वहां का, फिर बाद में 6 मीटर पर सेकेंड से 0 तक के जब पहुंचा था वहां तक का, मुझे दोनों केसेस का क्या चाहिए है, एक्सेलरेशन चाहिए, तो इसको भी पॉज करके आप सॉल्व कर लीजिए। चलिए पहले अपन लोग दोनों केसेस का जो रहता है अपन देखते हैं। पहले तो स्टेशनरी पोजिशन स्टार्ट किया था तो यू कितना था 0, उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई थी वी, तो हो गई थी 6 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना था सर, 30 सेकेंड्स था, तो वो भी हो गया सर। अब एक्सेलरेशन क्या होगा, वी माइनस यू अपॉन टी, मतलब कितना हो गया सर, 6 माइनस 0 अपॉन 30, यानी 6 अपॉन 30 मतलब 1 बाय 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप चाहो तो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हो। ये केस वन हो गया। अब केस टू, अब बेटा देखो आप बड़ा बड़ा के स्पीड 6 तक के पहुंच चुके थे फिर ब्रेक लगा रहे थे, तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे यू कितना हो जाएगा मेरा, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ब्रेक अप्लाई किया और रुक गया तो वी मेरा 0 हो गया। टाइम दिया हुआ है 12 सेकेंड्स, सर अब मेरा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वी माइनस यू अपॉन टी, 0 माइनस 6 अपॉन 12 यानी माइनस 6 बाई 12 जो कि हो गया माइनस 1 बाई 2 यानी माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, खत्म। सिंपल है बेटा ये वाला भी, श्योर बेटा कोई बड़ी बात नहीं है जो आप लोग ये कर रहे हो, बहुत छोटी छोटी सी सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है बट एग्जाम में भी ऐसे ही आते हैं। आपको ये चीज़ जम रही है तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। जिनके नहीं आए थे कोई बात नहीं, एक बार इस चीज़ को अच्छे से आप सॉल्व कर लीजिए। चलिए एक मैं ऐसा क्वेश्चन है नहीं, सिर्फ मैं आपको बना के दे रहा हूँ,
मान लो वो बोलता है इस क्वेश्चन को आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, और फिर उसका मुझे डिस्प्लेसमेंट ग्राफ को यूज करते दिखाओ। तो बेटा देखो, अपन ग्राफिकली अगर बनाना चाहते हैं ना, तो अपन ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये कुछ मेरा वेलोसिटी ले लेता मैं मीटर पर सेकेंड में, ये कुछ टाइम ले लेता सेकेंड्स में। अब जीरो से एक्सलरेट कैसे, जीरो से आपने अपनी स्पीड बढ़ाई थी यूनिफॉर्मली 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड्स। तो देखो सॉरी, आप कहाँ तक पहुँचे थे, 6 मीटर पर सेकेंड में पहुँचे थे। तो मान लीजिए ये 6 है इन 30 सेकेंड्स, मतलब आप ये ऐसे बढ़े थे, फिर आपने अपनी वेलोसिटी कम की थी, नेक्स्ट 12 सेकेंड्स आप रुक गए थे, तो इन्हें 42th सेकेंड पे 42, तो आपका ये ऐसा कुछ बन जाएगा। अब आपको इसका डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है पूरे इसका, तो आप इसका एरिया निकाल लोगे, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज हाफ, बेस कितना है 42, हाइट कितनी है 6, ये 1 सा, ये 21 सा, तो जाएगा 126 मीटर्स। ये टोटल मिला के मेरा डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। समझा क्या बेटा ये क्या है, अगर आपको पूछा है तो। वैसे देखो, अगर आप वो दोनों ऊपर से एक्सेलरेशन निकाल लो, यहाँ से भी आप एक्सेलरेशन निकाल दो तो यहाँ से भी निकल जाएगा। आप चाहते हैं ना तो ऊपर इसका डिस्प्लेसमेंट अलग, फिर इसका डिस्प्लेसमेंट अलग निकालते, दोनों को ऐड कर लेते, वो भी चल जाता। ये तो सिर्फ मैंने ऐसे ही आपको बताया है, कभी कभी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कि इस क्वेश्चन को आप ग्राफिकली पहले कन्वर्ट करो और फिर बताइए, समझाया वाला। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग बाद में ना इस क्वेश्चन का डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लेंगे, इसका भी निकाल लेंगे, दोनों को ऐड करके देखेंगे, और देखिए आपका पक्का से इतना ही आने वाला है। अगर कुछ और आ रहा है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ये वाला गाइस अगेन ये 1 मार्कर 2 मार्कर में आता है। ये फर्स्ट यूनिट टेस्ट वगैरह जो होती है ना आपकी स्कूल की, उसमें आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं ऐसे पैटर्न का। क्वेश्चन क्या है, अब बस डिक्रीजेस हिज नहीं होना चाहिए, इट्स होना चाहिए, इट्स स्पीड फ्रॉम 54 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड इट्स रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन नहीं बोले, रिटार्डेशन बोला, थोड़ा ध्यान से पॉज करके इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए अब देख लेते हैं क्या है। सर हमें यू दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर, जो कि कितना हो जाएगा 54 × 5/18, ये 1 ये 3 ज़ा, तो 15 मीटर पर सेकेंड। वी दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर, यानी कितना हो जाएगा 36 × 5/18, ये 1 ये 2 ज़ा, हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड, इतने तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो एक्सलरेशन आ जाएगा वी माइनस यू अपॉन टी, मतलब हो जाएगा सर कितना, 10 − 15/5, यानी −5/5, यानी −1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट आपसे एक्सलरेशन नहीं, आपसे रिटार्डेशन पूछा है, तो इम्प्लाइज रिटार्डेशन इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद है साइन अपोजिट करते हैं, बस ये तू सही था उस चीज के आर्मी था। तो फटाक से ये वाला क्वेश्चन को भी आप, सॉरी ये वाला क्वेश्चन को भी आप पॉज करके अगर आपका आंसर मैच नहीं होता तो सॉल्व कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ग्राफ वाला, ग्राफ तो हम लोग ऊपर देख चुके हैं, बट एक और बार फटाफट एक ग्राफ का क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है ए बी बी सी ए बी सी डी, और एक्सेलरेशन निकालना है ए बी बी सी और सी डी का, ठीक है। पॉज करके इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए। चलिए पहले डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, सर एरिया से निकलेगा, ए से बी, मतलब सर हमें ये वाला एरिया चाहिए, तो वो कितना हो जाएगा सर, हाफ, बेस है 1, हाइट है 120, तो ये कितना हो जाएगा 60 मीटर हो जाएगा, सिंपल है, ट्राइंगल का एरिया था। फिर बी सी, मतलब ये इतना निकालना पड़ेगा सर, वो कितना जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है 1, ब्रेथ है 120, तो ये आंसर जाएगा कितना, 120 मीटर हो जाएगा, ये भी ठीक है। अब लास्ट हमें क्या निकालना है, ए बी सी डी, मतलब पूरे का ट्रपेजियम का एरिया निकालना पड़ेगा, तो वो कितना जाएगा, हाफ, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी सर ये 3 और ये है 1, ठीक है सर, हाफ 3 + 1, और सर हाइट कितनी है हमारी, हाइट है 120, तो ये 1 ज़ा, ये 60 ज़ा, 60 × 4 हो जाएगा कितना, 240 मीटर्स, खत्म, सिंपल था ये। ये किसका हो गया सर हमारा, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का। अब एक्सलरेशन निकालते हैं, एक्सलरेशन के लिए कोऑर्डिनेट लिखना जरूरी है। कोऑर्डिनेट लिखा 1, 120, ये हो गया 2, 120। अरे देखो गलती मिल गई, गलती हो गई बेटा अपने से, पूरा का पूरा ही गलत कर दिया बेटा। जिन लोगों ने देख लिया था पहले उनके लिए तो बढ़िया है, जिन्होंने नहीं देखा था मेरे जैसे उनको बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो क्या गलती की है बताता हूँ बेटा, देखो अपना ये चीज़ मीटर पर सेकंड में है, जबकि ये चीज़ मिनट्स में, तो इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा ना बेटा सेकंड्स में। इसलिए कभी ग्राफ का ना ये चीज़ चेक कर लिया करो, देखो जैसे मैंने स्किप किया ना गलती से, आप ना करो,
तो 60 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा इन सेकेंड्स। अब अपन लोग सॉल्व करते हैं। सर देखो ए बी मतलब ये, तो वो जाएगा सर हाफ, बेस अब 60 लेना पड़ेगा और हाइट कितना है 120, कटेगा 1 60 सा, ठीक है 3600 मीटर्स। समझाना क्या गलती किया था मैंने, आप मत कीजिएगा प्लीज़। फिर बी से सी जगह बेस करते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ है 60, ब्रेथ है 120, जगह 7200 मीटर्स। सर अब ये ए बी सी डी का कितना हो जाएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी ये भी सॉरी ये हो जाएगा 180 और ये हो जाएगा कितना 60, सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी ये इनटू हाइट 120, तो ये हो जाएगा यानी इनटू 60, तो 240 इनटू 60, 24 इनटू 6 कर लेते हैं, 24 6 जा 6 हो जा 24 प्लस 2 6 2 जा 12 14 144, तो हो जाएगा सर, अरे हट जा मेरे भाई, हाँ ये हो जाएगा 144 00 मीटर्स। समझा ये चीज़ क्या हुआ है, ये हो गया अपना टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब नेक्स्ट बेटा एक्सेलरेशन चाहिए, तब कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ मैं, तो पहले बी का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। बी का कोऑर्डिनेट कितना होगा पता है ना आपको, हो जाएगा 60, 120, ये वाला हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 180, 0 और ओरिजिन तो हमेशा था 0, 0। फॉर्मूला याद है ना आपको स्लोप का, y2 - y1 / x2 - x1, तो पहले ए बी का कर रहा हूँ, y2 - y1 यानी 120 - 0 / x2 - 60 - 0, 120/60 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। अब बी सी का तो ग्राफ देख के बता दो कि जीरो है सर, क्यों 120 - 120 / 120 - 60 उससे भी थ्रू भी बता दो, या फिर सर ये स्पीड या वेलोसिटी हमारी कॉन्स्टेंट है। वैसे आप सी डी का निकालोगे तो आपका आंसर -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, वहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं सॉल्व नहीं किया, ठीक है बेटा। प्लीज़ याद रखिएगा मिनट्स दिया हुआ था, सेकेंड्स में कन्वर्ट करना जरूरी रहेगा उस चीज़ को, तो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को भी कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा, देखो आप पेजेस भी देखोगे ना, तीन ही क्वेश्चन बचे मेरे 76, 77, 78 वाले पेज का, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन क्या है, अ मोटरसाइकिल मूविंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड ऑब्टेन्स एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल आफ्टर 10 सेकेंड्स एंड द डिस्टेंस इट हैज ट्रैवल्ड। बेटा वो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन थे उसको यूज करते हुए करना है, तो अगेन पॉज करो और सॉल्व कर लो। चलिए देखते हैं क्या है, तो यू दिया हुआ है हमें, यू 5 मीटर पर सेकेंड, तो वी की वैल्यू पता नहीं है, सर एक्सेलरेशन दिया हुआ है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सर टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड्स, और सर हमें डिस्प्लेसमेंट भी नहीं पता है। हमें एक तो स्पीड है ना वी चाहिए, तो वी इज इक्वल टू यू प्लस 80 से निकाल लेते हैं, सर वी इज इक्वल टू यू प्लस 80, सर वी की वैल्यू पता नहीं है, यू एन ए 5 प्लस ए एन ए 0.2, जिसको चाहिए सर 2/10 लिख सकता है, 2/10 इंटू 10, सर ये कटा आंसर 5 + 2 एन ए 7 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये क्या आ गई मेरी फाइनल वेलोसिटी आ गई, सर एस चाहिए था, एस को 2as = v² - u² या s = ut + ½ a² कोई भी यूज़ कर सकते हैं, चलो s = ut + ½ a² कर देते हैं, या फिर 2as = v² - u² भी कर सकते हैं, आपको जो करना है आप कर सकते हो, कौन सी करूँ, चलो s = ut + ½ a² कर देता हूँ, ये क्या ut + ½ a² नहीं, यू है 5 टी है 10 प्लस हाफ, ए कितना है सर, ए 2/10 है 1/5 है और टी स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100 हो रहा है, तो देखो ये 50 प्लस ये 1 ये 50 जा ये 1 ये 10 जा, तो 50 + 10 यानी कि 60 मीटर्स। बेटा 2 से 3 मार्क के क्वेश्चन आते थे फुद्दू वाले, समझाना आपको तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, डेटा लिखना आता है, सब्स्टिट्यूट करना आता है, तो आपको इतनी प्रॉब्लम होने ही नहीं वाली है। तो अगेन इस क्वेश्चन को करिए पॉज और कर लीजिए सॉल्व। चलिए बड़े आगे, ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ कार टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 m/s² इन अपोजिट डायरेक्शन, ये इसको ध्यान रखिएगा, अपोजिट डायरेक्शन टू मोशन, इट टेक्स 2 seconds टू स्टॉप आफ्टर ब्रेक्स आर अप्लाइड, कैलकुलेट द डिस्टेंस इट हैज ट्रैवल्ड। कर लीजिए ट्राई क्वेश्चन को, अब देखिए बेटा ब्रेक्स आर अप्लाइड और एक्सेलरेशन 6 m/s² दिया हुआ है इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा ना -6 m/s², ठीक है, इट टेक्स 2 seconds टू स्टॉप, यानी फाइनल वेलोसिटी मेरी जीरो हो गई है,
मुझे क्या चाहिए, कैलकुलेट द डिस्टेंस, इन्हें एस चाहिए। अब बेटा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करूँ या एस टू ए एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर यूज करूँ, दोनों में मुझे यू तो चाहिए ही है। तो पहले मैंने वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से यू निकाल लेता हूँ, जीरो इज इक्वल टू यू तो पता नहीं, प्लस माइनस सिक्स इंटू टू, तो जीरो इक्वल टू यू माइनस ट्वेल्व, माइनस ट्वेल्व आ गया तो ट्वेल्व इज इक्वल टू यू हो गया, फाइन, 12 मीटर पर सेकेंड ऑब्वियसली। अब देखो, अब मैं टू ए एस वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ, मतलब टू ए एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, टू एक्सेलरेशन था माइनस सिक्स, एस मुझे पता नहीं है, वी स्क्वायर ना जीरो का स्क्वायर माइनस ट्वेल्व का स्क्वायर, तो माइनस ट्वेल्व एस इज इक्वल टू माइनस 144, माइनस माइनस कटा ये वन सा ये ट्वेल्व सा हो गया, तो एस की वैल्यू कितनी आ गई 12 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, परफेक्ट डिस्प्लेसमेंट हुआ है हमारा 12 मीटर का। तो फट से यार क्वेश्चन को भी कर लीजिए आप सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये लास्ट वाला है, देख लेते हैं, ये लास्ट वाला है बेटा, बताइए क्वेश्चन क्या है। अ साइक्लिस्ट गोज राउंड इन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ 35 मीटर, वो रेडियस होना चाहिए, सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 35 मीटर इन 2 मिनट्स, फाइंड इज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। सर्कुलर मोशन वाला फॉर्मूला यूज करना है, जिनको याद है उनको ईजीली हो जाएगा, जिनको याद नहीं थोड़ा सोचो दिमाग लगाओ आ जाएगा आपको। बेटा देखो, जिनको नहीं भी याद था ना, आपने वो क्लॉक वाला किया था एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है। देखो मेरा डिस्टेंस क्या होगा, पूरा सर्कल घूम रहा है तो डिस्टेंस हो जाएगा 2πr, 2π क्या है 22/7 ले लेता हूँ यहाँ पे, और r कितना है 35 है, ये 1 ये 5 सा, 5 × 10 ये हो गया 220 मीटर। टाइम कितना दिया हुआ है मुझे, टाइम दिया 2 मिनट्स यानी 120 सेकेंड्स, तो मेरी स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी 220/120, ये कटा 11/6 मीटर पर सेकेंड। आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं इस चीज़ को, समझाइए, ये हो गई मेरी स्पीड। और मेरी वेलोसिटी कितनी होने वाली है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि आप पूरा चक्कर घूम के आ, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो वेलोसिटी भी आपकी जीरो होने वाली है, ख़त्म। देखा आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स, अगर आपने पूरे चैप्टर जब करे थे, आपने तब प्रैक्टिस किया था, तो न्यूमेरिकल्स कितने आसान है बेटा, न्यूमेरिकल्स रुलाते नहीं है। रुलाता क्या है, अगर आपने कुछ पढ़ाई नहीं किया है फिर न्यूमेरिकल करने बैठ रहे हो तो। इसलिए प्लीज अगर आपको कोई न्यूमेरिकल में इशू है तो उसे करस्पॉन्डिंग जो लेक्चर था एक बार उसे वापस से देख लीजिए। आपका एक चैप्टर आपने निपटा देना, ट्रस्ट मी, इसके बाद में एक मोशन के बाद में आता है फोर्सेज एंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्सेज वाला एक चैप्टर आता है, फिर एक कुछ भी वर्क एनर्जी, ग्रेविटेशन आता है, फिर वर्क एनर्जी आता है, ये तीन चैप्टर्स जो है वो तीनों की तीनों ये मोशन चैप्टर के ऊपर रिलेटेड है। अगर आप मोशन अच्छे से नहीं करोगे फोर्सेज नहीं समझेगा, मोशन एंड फोर्सेस नहीं करोगे तो ग्रेविटेशन नहीं समझेगा, ग्रेविटेशन ये तीनों नहीं करोगे तो वर्क एनर्जी नहीं समझेगा। लकीली जो फिफ्थ चैप्टर जो आता है अपना साउंड, वो किसी से रिलेटेड नहीं है। तो गाइस आई होप आपने ये चैप्टर को प्रॉपरली किया है, यहाँ पे हम इस चैप्टर को कर रहे हैं आज रैप अप। तो गाइस थैंक्स अ लॉट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस चैप्टर।